नमस्कार दोस्तों, इस गाड़ी में हो रहा है कूलेंट लीकेज। अब हुआ ये नॉर्मल, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो गाड़ी स्टार्ट करी, पता नहीं कैसे जो इस गाड़ी को चला रहा था उसने रिजर्वायर देखा, पूरा मतलब कूलेंट उसमें खाली था। उसके बाद रेडिएटर देखा, वो भी खाली था। तो घर आके देखा तो इससे बहुत ज्यादा इसके नीचे से कूलेंट गिर रहा था। ठीक है, अब नॉर्मली कूलेंट गिरने का ऐसा मतलब रिजर्वायर से भी कूलेंट कम हो रहा था, रेडिएटर से भी कम हो रहा था। अब उसका सिंपल से अगर एक मतलब निकालेंगे, आप किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा कि हेड गैस्केट गई करके। ठीक है, तो हमने भी यही सोचा। उसके बाद देखा इसमें कूलेंट रिफिल करके तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नीचे गिर रहा था। अब सोचा तब इसका डायरेक्ट मतलब ये था कि गाड़ी में कोई ना कोई लीकेज है, हेड गैस्केट वाला इशू नहीं है, कोई लीकेज है। ठीक है, तो अब जब उसका देखा अच्छे से तो पता चला कि इसका जो हीटर वाला जो होज है वो फट रखा है। ठीक है, तो अब ये काम तो बहुत कम में हो जाएगा, 41 रुपये का एक हो जाए, दूसरा वाला पता नहीं कितने का। इनलेट आउटलेट दोनों चेंज कर देंगे, तो इनको रिप्लेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है, करना बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप भी खुद से अगर ये इश्यू आए तो कर सकते हैं, और पाइप अगर पुराने हो जाए तो उसको इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी फट जाते हैं। ला पानी ला, पानी डालते हैं वहाँ से निकल रहा है। ठीक, जितनी तेजी में निकल रहा है ना, इसका मतलब कुछ बड़ा हुआ है। ये हेड गैस्केट का वो सिम्टम नहीं है। अगर हेड गैस्केट का होता, पानी ऐसे कहीं गिरता नहीं, ये नीचे गिर रहा है, मतलब कहीं लीकेज है। ठीक है, ये देख, और ये गिर कहाँ से रहा है, पीछे की तरफ से रहा है ना, ढूंढेगा कैसे। पानी डाल, ये देख सामने इधर आ, कितना बड़ा काट है। एक काम कर, ये दोनों ही पाइप चेंज कर। कौन से दोनों पाइप? एक नीचे वाले जो मिल जाएंगे, सब दोनों मिल जाएंगे। हम यहाँ से पानी डालते रहेंगे, वो वहाँ से गिरते रहेगा। अगर इसके पाइप लेकर आते हैं, पाइपों को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, हो जाए। अब इसमें फटा कौन सा है, ये वाला फटा है। ठीक है, निकाल लेते हैं दोनों को लेकर आएंगे। तो निकाल, ये जो पाइप होते हैं ना, इनको चेक करते रहना चाहिए ओवर द टाइम। रबड़ी तो है यार, ये क्रैक आ जाता है ना इनमें भी, तो फटने लग जाते हैं, तो इनको भी चेंज ही करना चाहिए। अब इसमें कूलेंट लीकेज, वो वहाँ से इतना बड़ा डैमेज लगा, इतना मोटा पाइप होता है, ये फट गया, ये गई है हीटर की लाइन। एक ये है, एक दूसरा है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। ठीक है, एक जाता है और दूसरे से वापस आता है। एक साइड का निकल गया ना, दूसरी साइड का इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि पाइप में गर्मी होती है ना, हीट की वजह से चिपक जाता है। एक काम कर, वैसे भी हमको इसको रिप्लेस तो करना ही है ना, काट दे या पीछे खींचे। और दूसरी दिक्कत ये है, इसमें काम करने की जगह है, काट दे, कट गया। अब एक साइड कर दे, अभी दिखाएंगे, वो पाइप दिखाऊंगा कहाँ पर से फटा है। इसमें जो टुकड़ा अटका है ना, देख वहाँ पर बीच में उस, ये पाइप का टुकड़ा, उसको भी काट दे। अब इस पाइप को दिखाता हूँ, देखिए इतना मजबूत पाइप होता है ना, फिर भी फट जाता है। देखिए फूल गया है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। और फटा कहाँ पर से, ये जो क्रैक है ये देखो ये, तो इसीलिए इन पाइपों को बोलते हैं इनको टाइम पर रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब इसमें और पाइप भी चेक करेंगे अंदर, देखिए इसमें रस्टिंग कितनी है, पानी पानी चलाने का नतीजा है ये सारा। फटा निकाल ले तो जैसे तैसे निकल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा निकल गया है, न खोल मत ये दे। अब क्या करना, अगर तुझे लेने जाना होगा ना, देख जैसे ये तो हम पार्ट नंबर से ला गए, अगर तुझे लेने जाना हो तो इस टुकड़े को ले जाना, इसको दिखाना। हाँ, ये आउटर है, इनर वाला वो हो रखा है। ठीक है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है, तो चेंज दोनों करिए। एक काम कर, निकालना तो वो भी है ना, उसको भी निकाल दे, चेंज कर दे लगे हाथ, पता चल रहा वो फट रहा है, फिर और दिक्कत हो रही, निकाल दे उसको भी। अब देखिए ये जो पाइप है ये फट गया इसका, और इसकी वजह से सारा कूलेंट लीक हुआ। सोच अगर रास्ते में चलते चलते हो जाता और पता भी नहीं चलता, फिर क्या करता, इंजन पूरा सीज हो जाता पता इस चक्कर में। और ये फटा है यहाँ पर, सो इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना कि आसानी से फटते नहीं। अभी गाड़ी के साथ का ही होगा ये, तो इस वजह से फट गया यहाँ पर से। वो तो अच्छा टाइम पर देख लिया वो, अब इसको करेंगे रिप्लेस। और इसके अंदर ये अगर कंडीशन दिखाएं तो सारी रस्ट ही रस्ट भरी है, फिर उससे नहीं, ये तो पुराना बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये फट गया है। बहुत मजबूत पाइप होता है। इसको निकालने के लिए यहाँ हाथ जा नहीं रहा ना, इसको निकाल लेते हैं, इसको खोल, हो गया हो गया हो गया, ये है, ठीक है, खोल, इतना इससे पानी नहीं जाना चाहिए, ये आ गया। तो एक काम कर, यहाँ से भी काट, यहाँ से भी काट, काट के नया डाल, छोड़ काट, इसको काट दिया, यहाँ से भी काट, यहाँ से उड़ा हुआ तिरछा काट, स्लाइड चला, हाँ तिरछा चला। अगर हमें ये पाइप यूज़ करना होता ना तो इसको काटते नहीं, अब हम इसको चेंज करना, इसलिए काट भी कैसे कर, जहाँ पर पाइप एंड हो रहा है ना, मतलब ये जहाँ पर वो लगा है वहाँ से काट मार, हाँ काट दे इसको पूरा, काट हाँ काट काट काट, खींच निकल जाएगा, खींच बाहर को, हो गया। अब वो बाहर निकल जाएगा, चलिए निकल गया। ये जो बचे हुए टुकड़ा है ना उसको काट, इसको काट दिया, निकाल दे, नहीं देख चिपक गया ना बिल्कुल, हार्ड टेढ़ा चला, टेढ़ा चला, ये देख जैसे चिपक के हो रहा है ना, जैसे चिपका रखा होगा इसको, आराम से करना, हाथ कटता है, ये देख वो बहुत तीखा हो रहता है। अब एक काम कर,
पाइप चलता हुआ पानी है, सब रस्टिंग होती है, चलता हुआ पानी है तेरे पास? ठीक है लेकर पाइप 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 लगाना अगले हाथ इसकी हीटर को साफ कर देते ना, हीटर को चौक हो जाती है, और उसको स्प्रे वाले पानी से नहीं करते, तो बिना मोटर का पानी है ना, मुँह का इसके किसी एक भी टिप पे रख ले इसको, आराम से लगा, एक तरफ से पानी आना चाहिए, ज़्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए, पानी नीचे वाले में लगा, नीचे वाले में लगा, बस 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 ये खुलिए हीटर को, ऐसा होता है हीटर को चौक हो जाए ना तो फिर अंदर हीटर काम नहीं करता है, साफ पानी आ रहा है। अब एक काम इसको रिवर्स में कर ले, नीचे वाले से नीचे वाले, ठीक है लगे हाथ रही हीटर को भी साफ, बस बस आ रहा है नीचे से पानी साफ आ रहा है ना, थोड़ा गंदा आ रहा है तो गंदा आने दे, पहले निकलने दे, साफ आने लग जाए तो हटा लेना इसको, और इसमें कभी भी इस ज़्यादा फोर्स का मत करना, नहीं तो हीटर को फट जाती है, ठीक है फिर बड़ा नुकसान आने लग गया ना, ये नॉर्मल दोनों लाइन का पानी है, बस हो गया हटा ले। इतनी मेहनत करी रखी थी तो लगे हाथ इसकी हीटर को भी साफ हो गई, नहीं तो क्या होता ना हीटर को चोक हो जाती है, मतलब जो वाटर सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है इसकी, तो इस वजह से क्या होता है हीटर काम नहीं करता है, तो लगे हाथ ये साफ हो गए। लेकिन इसका ये ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा फोर्स के पानी से नहीं करना, अभी जो हमने करा उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं था, हो सके तो इससे भी कम, जितना गार्डन उसका होता है ना टैप वाटर उतने में काफ़ी रहता है इसका चोक खोलने, वैसे चोक थी नहीं बट स्टिल अगर जितना भी इसमें ये जंक रह जाता है ना वो सारा अभी में साफ हो गया। अब क्या करेंगे इसको सिंपल, जो नए पाइप हम दोनों लाए हैं इनलेट और आउटलेट वो दोनों एक साथ लगा लेंगे, और बाकी के पाइप्स भी चेक करेंगे, अगर उनमें कोई हल्का भी क्रैक होगा माइनर सा तो उनको रिप्लेस कर लेंगे, नहीं तो कभी ये चलते चलते लीक हो जाए ना तो फिर ये दिक्कत रह जा हो सकती है इंजन के साथ, जैसे इसमें हुआ लीक हो गया तो टाइम पर देख लिया। नए वाले होस पाइप लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना होता है, जो पुराने वाले पाइप निकले ना तो जो मेटल लाइन से ये क्या है ओवर द टाइम पानी में चल चल के ये जंक लगने लग जाता है, तो इनका जो टिप होती है तीखी हो जाती है, अभी हम जैसे नई पाइप डालेंगे ना तो ध्यान रखना हो जाता है, तो इनमें हल्की सी सैंडिंग कर लो जिससे कि वो घिस जाए जो उनका तीखापन होगा ना, और फिर पाइप ना कटे, या फिर इतना थोड़ा सावधानी से जो पाइप होंगे उनको इंसर्ट करना जिससे कि पाइप अंदर से कटे नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है जब कभी भी नए पाइप इस तरीके से कूलिंग लाइन में या कूलिंग सिस्टम के किसी भी होस में इंसर्ट करना होता है। पहले क्लिप लगा ले थोड़ा और पीछे के, बस 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 साइड रखना जिस साइड ऊपर से प्लास से खींच पाए तो, ठीक है नीचे की साइड में डालना ध्यान से, ऐसे तो लग पाइप कैसा आएगा देख, खुद से ध्यान रख, कौन सा वाला है नीचे वाला, ये सब पाइप इंसर्ट करने से पहले ऊपर रख उसके फिर डाल, ये आ रहा ना बरा कौन सी साइड से कौन सा आ रहा है, और वो क्लिप ऊपर की तरफ करना है, चलिए ईजिली चले गया, अभी आले में डाल पीछे वाली साइड से वो मत करना, पाइप मुड़ना नीचे बस ये चीज़ ध्यान रखना, पूरा आगे आ गया ना, अब क्लिप लगा ले, क्लिप एक बार में चढ़ाना, अगर क्लिप घूम गई फिर पहले वाली चढ़ा, पहले पीछे वाली हो गया ना एक बार में, और ये लास्ट एंड तक डाला है ना पाइप पूरा, पाइप तो पूरा डाला, ये बैंड क्यों हो रहा है यार, है तो पाइप यहीं का और डाला भी हमने सही है, हल्का यहाँ पर बैंड हो रहा है बट उतना बैंड नहीं है, चल छोड़ अब ये क्लिप लगा, ये दोनों चढ़ गए ना, इनको क्लिप जरूर लगानी होती, क्लिप लगाने में असली मेहनत लगेगी तेरे को, लेकिन अगर ये क्लिप खुल गई ना फिर दिक्कत हो जाएगी, तो क्लिप पूरी लगानी, ये लग गई ये कर ले पहले, लूज हो रहा, हाँ ये तो बहुत लूज है, हाँ ये लूज है बहुत ज़्यादा, इस साइड से दिखा लूज होगा तो लीक करेगा, हाँ वो लूज हो रहा था, क्लिप डाल क्लिप लगा दे, करना पड़ेगा लग रहा है, दे दे थोड़ा आगे थोड़ा आगे इतना लास्ट में, बस 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 अब चेक कर लूज तो नहीं ना, आपका टाइट है ना पूरा, हाँ हाँ टाइट, अभी अलग करता बस लास्ट से थोड़ा पहले रखना, हाँ हाँ पाइप चेक कर टाइट है नहीं, और पाइप में बैंड तो नहीं है कोई, इसमें एक बार इसको टेस्ट कर लेना, ठीक चल डाल ले पानी कहीं और से लेके जो होता पता लग जाएगा, थोड़ा सा आगे चाहिए बस डाल, लेकिन इसको ड्रेन कर लेना इसमें कूलेंट डालने के लिए, कहीं है लीकेज चेक करना ना, पहले भर ले इसको पूरा क्योंकि लाइन खाली है, बस हो गया छोट यहाँ पर लीकेज नहीं है, ठीक है नहीं पानी अभी नहीं आ रहा है, रुक जा नहीं आ रहा है, एक काम ये कूलेंट ड्रेन, अबे इतना पर ऐसा नहीं भरते हैं, इस लिमिट तक भरते हैं, चल पानी गिरा दे पूरा गिरा दे इसको, जब तक ये खाली हो रहा है पूरा ही खाली कर लेते हैं, इधर को लीकेज नहीं चेक होगी, अब डालेंगे इसमें कूलेंट पूरा खाली करके आना इसको, हाँ वाला पाइप ने ज़्यादा बैंड है, इसमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पास हो रहा नहीं हो रहा, देख इनलेट वाला तो सही लगा ढीला है वहाँ पर चेक करना, चलो रिजर्वर लगा ले के बाद इसमें कूलेंट भरेंगे, ठीक है यूज कर रहे हैं कौन सा डेल्फी का कूलेंट, बढ़िया रहता है ये कूलेंट, महंगा भी नहीं है ज़्यादा, और बोलाऊँ वो भी तो लाना था फनल, बिना फनल के नहीं डाल पाएगा, बोतल नहीं डाल पाएगा, अब इसमें लग गया
अब इसमें कर रहे हैं कूलेंट फिल, ये रेडी टू यूज है, इसके साथ कुछ ही नहीं मिलाना पड़ता है। हाँ चलिए, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं करेगा। ठीक है, एक डाल दे, अभी और आएगा इसमें। ठीक है, रुक जा, अब इसको आधा भर ले, इसको इसको पूरा भर ले, मतलब जितनी इसकी लिमिट होती है उतना भर ले रिजर्वायर को, इसमें इसमें प्योर डाल देते। ठीक है, इसकी हाफ तक होता है, पूरा नहीं भरते हैं इसको, जहाँ तक उसकी क्वांटिटी लिखी होती है ना वहीं तक भरते हैं। तो इसमें डाल दे, देखते हुए है ना कितना आया, हाफ तक आ गया। हाँ लो तक आ गया, लो से थोड़ा, लो नहीं फुल तक भर उसको। अच्छा, फुल तक ओरिजिनल डाल, बस बस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, रहने दे। ठीक है, हो गया, छोड़। ये जो कूलेंट कम होने वाला इशू है ना तेरे में, तो सिंपल ये पाइप फटे थे, ये हुआ, बहुत कम में हो गया। अगर ये इसकी जगह कूलेंट अगर कम हो रहा होता ना, और हेड गैस्केट अगर गई होती, तो फिर ये खर्चा तेरा बहुत ज़्यादा में होता। लेकिन ये चीज़ चेक करते रहनी चाहिए, पाइपों की कंडीशन, अगर इनमें कोई भी क्रैक व्रैक हो ना, या फिर पुराने हो गए तो रिप्लेस कर लेनी चाहिए। यही नहीं है, जो दूसरे वाले होते हैं ना ये मेटल वाले, ये भी इनमें भी क्रैक आ जाता है, पता है, इनसे भी लीकेज होने लग जाते हैं, इनको भी चेक करते रहा कर। गिर रहा है, लीकेज हो रहा है कहीं पर? नहीं, अब नहीं हो रहा शायद, वायर हो गया ना पूरा। अब इसको टॉप अप कर ले पूरा, इसको कूलेंट और डाल ले। ठीक है, इसको टॉप अप कर पूरा, पाइपों को प्रेस कर करके डाल ले जितना जाता है, नीचे वाला पाइप को भी प्रेस करेगा तो भी चले जाएगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके डालना। ठीक है, चलिए काम लगा ले, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। हाँ स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मेन चीज़ हमें चेक करनी है, लीकेज तो नहीं है, खासकर यहाँ पर से जहाँ पर हमने नए पाइप कनेक्ट किए। कोई लीकेज है? कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, ध्यान देते रहना, ये फुल हो गया है, मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब नीचे चेक करना, कोई लीकेज तो नहीं है। अभी देख, जो हमने कूलेंट डाला था ना, थोड़ा थोड़ा वो गिरेगा, मतलब ओने कोने से जो गिर स्पिल आउट हुआ था ना, वही इसमें नीचे आएगा। उसके अलावा इसमें चेक करते रहना, जो इसका वो होता ना टाइट करने वाला नीचे प्लग, उससे को कम ज़्यादा करके देख लें, अगर लीकेज हो तो उसको टाइट हो या ढीला कर लें। ठीक है, बाकी ये काम तो हो गया पूरा, लीकेज वीकेज भी नहीं कोई। सुन, अब गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रहने दे, लीकेज चेक कर लेना, उसके बाद जब गाड़ी ठंडी हो जाए ना, एक बार खोल के देखना, कूलेंट टॉप अप कर लेना इसमें। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ले, बाय, टेक केयर।